अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एयर कंडीशनर के रिमोट को हम कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी टोटली सेटिंग को हम जानेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर मेरे पास डोमस कंपनी का एयर कंडीशनर रिमोट्स है। हम फोकस करेंगे जो मोस्टली एयर कंडीशनर के रिमोट्स में ऑप्शंस होती हैं, उनका क्या क्या काम होता है। तो चलिए यहाँ पर हम सीख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक मोड का बटन मिल जाता है, एक ऑन ऑफ, और एक यहाँ पर आपको मिल जाता है फैन स्पीड का, बाकी टेम्परेचर अप डाउन का मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्लॉक मिल जाता है, स्विंग मिल जाता है, यहाँ पर जो है आपको टाइमर ऑन ऑफ मिल जाता है और ब्लो का मिल जाता है। इसी तरह टर्बो, स्लीप और लाइट का बटन मिल जाता है। यहाँ पर मोस्टली जो होती हैं वो मोड्स, फैन और स्लीप, ये सारे तो होते ही हैं। चलिए हम सीखते हैं। यहाँ पर जो है आपको ऑन ऑफ का बटन और टेम्परेचर अप डाउन का बटन, ये तो नॉर्मली हर कोई जानता है। इससे हम ऑन ऑफ करेंगे, टेम्परेचर को अप डाउन करेंगे। लेकिन यहाँ पर फैन स्पीड और मोड्स में क्या क्या ऑप्शंस होती हैं वो हम सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने ऑन कर दिया है और फैन और कूल मोड पर ही हमारा अभी रिमोट ऑन है। यहाँ पर जो है हम मोड को चेंज करेंगे और सीखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर ये ड्राई और यहाँ पर हीटिंग का, और इसी तरह आप सबसे ऊपर अभी आपको नीचे जो है ये ऑटो का भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो मिल रहा है फ़ैन ऑटो का, यहाँ पर फ़ैन जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। और यहाँ पर जो है दूसरा हमें कूलिंग का मिल जाता है, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, फ़ैन स्पीड हाई लो कर सकते हैं। ये नॉर्मल हम हर एयर कंडीशनर को यूज़ करने के लिए यही रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ैन स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं फ़ैन के बटन को प्रेस करके, और टेम्परेचर भी अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑन ऑफ करेंगे नॉर्मल हमारे एसी में, इसी की सेटिंग यही सिंपल होनी चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर लें। ये कूलिंग मोड है, और इसके नीचे जो मोड था वो था ड्राई मोड, जो कि हमें बारिश के दौरान जो है वो हम इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर जो है आप टेम्परेचर अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करेंगे। सबसे जो ज़्यादा कूलिंग जिस पर आपको मिलेंगी, कंप्रेसर ज़्यादा देर काम करेगा, वो 16 टेम्परेचर जो होता है वहाँ तक ही होता है। ऊपर जितना टेम्परेचर आप लेकर जाएंगे उतना कंप्रेसर जल्दी ट्रिप होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके सामने जो बटन है स्विंग का, यहाँ पर आप स्विंग अलग अलग मोड पर रख सकते हैं, स्विंग को अलग अलग डायरेक्शन पर रख सकते हैं, अप डाउन और सेंटर में भी आप रखना चाहें तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपकी स्विंग काम करेगी। ये स्विंग का बटन है, यहाँ अक्सर स्विंग ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है। इसी तरह आपको यहाँ इस साइड पर ब्लो का बटन मिल रहा है। ये हर रिमोट में नहीं होता। इसका फंक्शन क्या है ये मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया। ब्लो इसी में मुझे सिर्फ देखने को मिला। यहाँ पर इसी तरह टाइमर ऑन ऑफ की तरफ चलें, तो टाइमर में ऑन बटन प्रेस करूँगा तो आप नीचे देखेंगे कि रिमोट में टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको अपनी मर्ज़ी से ऑन कर सकते हैं। जो टाइम आप सेट करेंगे उस टाइम पर आपका एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप जो है इसको ऑफ़ करना चाहेंगे, फिर प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। इसी तरह आप टाइमर ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। टाइमर ऑफ पर ये है कि आप जब एसी ऑन हुआ है टाइम के हिसाब से, अब आप टाइम सेट कर सकते हैं कि इस टाइम में आपका एसी ऑफ हो जाए, तो यहाँ पर आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। आपको ऑफ लिखा हुआ मिल जाएगा। दोबारा आप ऑफ वाले बटन को, टाइमर ऑफ को प्रेस करेंगे तो आपका ये टाइमर हट जाएगा। इसके ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें आप टाइमर के हिसाब से एसी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको एक और बटन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफ मिल जाता है। हर एयर कंडीशनर में सेम बटन नहीं होते, लेकिन कुछ एसीओ में इसी तरह के बटन आपको मिल जाते हैं। ये टर्बो का बटन है। टर्बो का बटन क्या काम करता है, ये आपके फ़ैन की स्पीड को फुल से भी थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा कर देता है। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो आप टर्बो का बटन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्लीप का बटन मिलता है, जहाँ पर आपको रिमोट में चांद एक बना हुआ मिल जाता है। स्लीप आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं। स्लीप पर होता क्या है, स्लीप अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मैंने 17 टेम्परेचर रखा हुआ है, तो ये 17 टेम्परेचर के आसपास ही चलेगा। एक घंटे बाद एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देगा, फिर एक घंटे के बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देगा, फिर 7 घंटे तक स्लीप पर वैसे ही चलेगा, फिर उसके बाद जो है ये वापस ऑटोमेटिक अपने पहले वाले टेम्परेचर पर आ जाएगा। यहाँ पर लाइट की ऑप्शन थी नीचे, लाइट की ऑप्शन आप अपने डिस्प्ले, एसी के डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिर्फ लाइट उसकी ऑफ होगी, और लाइट ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं। तो इससे आपका एसी जो है चल रहा होगा, लेकिन सिर्फ लाइट आपकी ऑन और ऑफ होगी डिस्प्ले पर, यानी कि आपको यहाँ वहाँ पर डिस्प्ले शो नहीं करेगा, लेकिन एसी आपका चल रहा होगा। यानी कह लें कि आप उसके डिस्प्ले की लाइट को हाइड कर रहे हैं।
ये थी इसकी नॉर्मल सेटिंग जो कि हर रिमोट में सेम होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।